हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक कच्चे आलू से इतना क्रिस्पी करारा डोसा बनाया जा सकता है, वो भी बिना कोई फर्मेंटेशन के और बिना भिगाने के झंझट के। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कुरकुरा डोसा हमारा बनकर तैयार हुआ है, और वो भी गेहूं के आटे से। तो चलिए फटाफट से देखते हैं रेसिपी को। पसंद आएगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस डोसे के साथ दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही आसान सी और स्पेशल सी चटनी, जो भी फटाफट बनकर तैयार होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस डोसे को बनाने के लिए मैंने ले लिया ये एक कच्चा आलू। ये थोड़ा बड़ा साइज का आलू था, इसे धोकर अच्छे से छील लिया है, और अब एक ग्रेटर में मैं इसको बारीक बारीक ग्रेट कर लूँगी। ध्यान रखना है, आलू को आपको बारीक ग्रेटर में ही ग्रेट करना है, क्योंकि आलू के फिर लच्छे डोसा बनाने में आते हैं तो उतना अच्छा डोसा नहीं बन पाता। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा आधा कप है ये, एक कप गेहूँ का आटा और आधा कप सूजी। अब ये सारी चीज़ें कर दे रही हैं मिक्स, और अब इसमें डालना है आपको तीन गुना पानी। मतलब हमने टोटल 1.5 कप आटा सूजी ली है, तो आपको इसमें 3 कप पानी डालना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं और मिक्स करते जाएं, एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें वरना कई बार लम्स आ जाते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते रहना है और उसको अच्छे से घोलते जाना है। तो देखिए मैंने करीब 1.5 कप पानी डाल दिया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी लम्स भी नज़र नहीं आ रहे हैं। पूरे आटे को इसी तरीके से घोल लेना है, और जब लगे कि बिल्कुल लम्स नहीं है तो बाकी का बचा हुआ पानी भी डाल देना है। मतलब 2 गुना पानी आपको इसमें ऐड करना है, जितना भी आप आटा सूजी लें। रेशियो को ध्यान रखें, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आप सारी चीज़ों को बढ़ा लें। तो देखिए आप देख सकते हैं कि इसका बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब ऐड करते हैं इसमें कुछ मसाले। तो मैंने डाल दिया 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, और ये मैंने ले लिया 1 बारीक कटा हुआ प्याज, और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक। प्याज ऑप्शनल है, अगर आप प्याज खाना नहीं पसंद करते तो प्याज स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़े से बारीक कटे करी पत्ते और ढेर सारा हरा धनिया। इससे क्या होगा, जब आपका डोसा सिककर रेडी होगा तो वो दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, साथ ही टेस्टी तो बनेगा ही। तो आप देख सकते हैं ना आपको कोई फर्मेंटेशन का झंझट है इसे बनाने में। और एक चटपटे टेस्ट के लिए मैंने इसमें डाल दिया आधा नींबू का रस, जिससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा, कि आप बिना किसी चटनी सांभर के भी इसको ऐसे ही खा लेंगे। तो देखिए हमारा बैटर तैयार है, तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं इसके साथ के लिए एक टेस्टी सी चटनी। तो मैंने 2 चम्मच भुनी चना दाल, 2 चम्मच नारियल का पाउडर, कुछ हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा नमक, और 2 से 3 चम्मच फ्रेश दही। और देखिए चटनी को पीस लिया है, अब इसे कर लें किसी बाउल में अलग से ट्रांसफ़र। आप देख सकते हैं कि कितनी फटाफट से आपकी चटनी बनकर रेडी हो गई है, और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अगर चटपटा पसंद करते हैं तो थोड़ा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो अब लगा लेते हैं इसके ऊपर एक वघार। तो 1 चम्मच तेल में 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच सफ़ेद तिल और थोड़ा सा करी पत्ता डालकर चटकाएँ, और जैसे ही ये सारी चीज़ें चटकने लगे तो आप इस तड़के को चटनी के ऊपर फैला लें। तो लीजिए आपकी झटपट सी चटनी भी तैयार है। तो चलिए अब बना लेते हैं डोसा। डोसे का बैटर ये वाले को आपको ज़्यादा देर नहीं रखना है, बस जैसे ही आपने मिक्स किया आपको तुरंत ही बना लेना है, तभी जो आपका डोसा है वो बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो मैंने गैस पर रख लिया एक तवा। पहले मैंने इस पर ब्रश से लगाया हल्का सा ऑयल, और अब एक टिश्यू की सहायता से मैं इसे अच्छे से साफ़ कर दूँगी। मतलब बिल्कुल भी ऑयल इस पर नहीं रहना चाहिए। तो देखिए तवा रेडी है, अच्छे से गर्म कर लें तवे को, और इस तरीके से किसी लैडल या कटोरी से आप थोड़ा थोड़ा सा बैटर इस तरीके से फैलाएं। मतलब इसमें जालियां जैसी पड़नी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ना हमने इनो ना बेकिंग सोडा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल इसे बनाने में नहीं किया है। तो इस तरीके से लैडल से जहाँ जहाँ भी आपको जगह दिखे इस तरीके से आप इस डोसे के बैटर को डाल दें, और गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम रखें। स्टार्टिंग में आपको तेज़ रखना है, लेकिन जब लगे कि ऊपर से हल्का सेटल हो गया तो ब्रश से थोड़ा ऑयल और लगा दें, जिससे जालियों में से इसमें अंदर ऑयल चला जाएगा और ये नीचे से भी अच्छे से सिक जाएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं हमारा डोसा कितने अच्छे से सिक रहा है। तो अब इसे जब तक ये अच्छे से लाल दिखने लगे तब तक सिकने दें, और अब इस तरीके से आराम से इसको टर्न कर लें। तो देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्रिस्पी सा डोसा हमारा बनकर तैयार हुआ है, वो भी मिनटों में। तो चलिए कर लें सर्व। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा टेस्टी सा क्रिस्पी डोसा सर्व के लिए तैयार है। अगर आपको रेसिपी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिनटों में आप भी बनाइए झटपट आटे का हेल्दी डोसा।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।